हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास है BX7 और इसमें प्रोटेक्ट प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने रिपेयरिंग किया और आपको मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसा और कैसा उसको रिपेयरिंग करना है। 100 ओम्स का जो, अगर समझ लो किसी को कलर कोड नहीं आ रहा उसमें, तो उसमें ब्राउन ब्लैक ब्राउन रहता है कलर कोड, तो वो लगा के आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? केडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास सोनी का ये है, आप देखिए BX7 है, आप मॉडल नंबर देखिए BX7। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें मैंने पूरा खोल दिया है, फिर मैं आपको कॉमन बताता हूँ। 3000 वाट है, इसमें क्या प्रॉब्लम आया देखिए, इसमें प्रोटेक्ट लिख के आ रहा है। जैसे ही ऑन कर रहे हैं, स्टैंड बाई ऑफ होने के बाद इसमें प्रोडक्ट लिख के आ रहा है। देखिए ये डेमो पे आ गया एंड ऑन किए, प्रोडक्ट लिख के आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आज आपको दिखा भी देता हूँ और बताता भी हूँ क्या है और क्या प्रॉब्लम होता है। आप देखिए इसका STK साइड वाले बोर्ड में ही लगा हुआ है, अलग से बोर्ड नहीं है इसका, नहीं तो बाकी सब में अलग से बोर्ड लगता है, बट इसमें सेम बोर्ड में लगा हुआ है। मैं STK का नंबर भी आपको दिखा दूँगा। और ये पावरफुल बेस है इसके अंदर, बहुत मतलब बहुत पावरफुल है ये, 3000 वाट है। देखिए आप STK देख लीजिए, ये STK है 240, 411, 240, ठीक है, ये STK है। और आप अभी आपको समझ में आएगा कि आप लोग बहुत मेरे से पूछते हैं ना कि मतलब इसमें कौन सा रेजिस्टेंस है कौन सा नहीं। तो लाइट कम दिख रहा है, देखो एक यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसा रख के दिखाता हूँ, क्लियर दिखेगा। देखिए एक रजिस्टर ये यहाँ पे लगा हुआ है, देखा, और एक रजिस्टर इसके बाजू में ही लगा हुआ है, एक रजिस्टर, लाइट नहीं चल रही परफेक्ट, हाँ एक रजिस्टर और लगा हुआ है, कहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पे छोटे से कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर ओपन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रजिस्टर चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको मीटर से। तो जब आप चलो मीटर ये मैंने ऑन कर दिया इधर, ये STK को सप्लाई नहीं मिलता है ना, तभी ये ऐसा हो रहता है। तो चलो समझ लो, मैंने एक ये रजिस्टर हो गया, मैंने ओपन भी करके ओपन करके चेक किया है ऑलरेडी, ये देखिए ये कितना बता रहा है, 100 ओम से कितना बता रहा है, K में दिखा रहा है, देखिए 50K 49K, जो कि 100 ओम्स दिखाना चाहिए इसको, ठीक है। और इसके बाद ये वाला रजिस्टर हो गया, अरे एक रजिस्टर हो गया, इसको भी इसकी ये भी देखिए, ये भी K में दिखा रहा है इसको, ओम्स जो ऊपर के और ओम्स बना है ना, इसमें ओम्स दिखाना चाहिए। अभी एक और रजिस्टर है, समझ लो एक रजिस्टर कहाँ गया, एक रजिस्टर ये लगा है, ये भी सेम रजिस्टर है, ठीक है, ये पूरा देखिए पूरा 10 ओम्स दिखा रहा है, ये रजिस्टर पूरा 10 ओम्स दिखा रहा है, आप देखिए यहाँ पे 10 ओम्स दिखा रहा है ये रजिस्टर। मैं आपको अभी दूसरा ऊपर से मैं रजिस्टर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ, देखते रहिए यार। तो गाइस आप देखिए, मैंने यहाँ पे 100 ओम्स का रजिस्टर लगा दिया, इसका कलर कोड भी रहता है ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ठीक है। तो मीटर मैं इधर रख देता हूँ, आपको दिखेगा भी, देख कितना आ गया, लाइट आ रहा है, देखो 100 ओम्स दिख रहा है, शो कर रहा है ना, और ये भी देखो, ये भी 100 ओम्स आ गया, लाइट आ रहा है, अब देखिए ये भी 9800 ओम से भी दिख रहा है, देखिए ठीक है। अब चेक करते हैं, चालू करते हैं तो लगा के, तो गाइस देखिए ये ऑन हो गया है, अगर मैं कुछ भी लगाऊं
समझ लो इसको ऑक्स पे कर रहा हूँ। इसका बटन किधर दिया, इफेक्ट फंक्शन, ये उल्टा सीधा भी काम कर रहा है, वीडियो पे आ गया। अब देखिए अभी परफेक्ट, स्टैंड बाई, तो ऑन करेंगे, परफेक्ट ऑन हो गया, और वीडियो पे भी आ गया और परफेक्ट काम कर रहा है, आप खुद ही देख लीजिए गाइस, एकदम परफेक्ट बज रहा है, आप देख लीजिए। रजिस्टर लगाया मैंने, हाँ भाई सर, ये ब्राउन ब्लैक ब्राउन है ये रजिस्टर, बहुत बेस है इसके अंदर। एकदम परफेक्ट। तो गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या किया क्या क्या नहीं। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, कहाँ क्या करना है, कितना ओम्स का रजिस्टर कैसा लगाना है। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच गाइज़।